बड़ी वेदना से मैं बात करना चाहता हूं आज के प्रवचन में। आज एक बात आपको बताऊं, आपका कॉन्शियस जहां भी बाइट होता है ना, हर चीज गवर्नमेंट ने और सुप्रीम ने खत्म करने का एक दावा कर ठेका ले लिया है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, एबॉर्शन कराने में आपका कॉन्शियस बाइट होता था ना, और गवर्नमेंट ने बोल दिया चिंता मत करो हम कानूनी बना देते, एबॉर्शन मजे से करो। नंबर एक, एबॉर्शन आपको डिस्टर्ब करता था, गवर्नमेंट ने कानून बना दिया लीगली एबॉर्शन करो, आपके पेट में रहे बच्चे को मारो, डरो मत, डरो मत, हम आपको रक्षा देंगे। नंबर दो, समाज के बीच में तुमको जिनकी पर तक तुमने डिक्लेयर किया था ये लड़की जिनकी पर तक उनको मैं निभाऊंगा, मगर आपको छोड़ देना है ना, आपको डर लगता है अंदर, आपका कॉन्शियस वाइट होता है ना, हम आपको लीगली बना देते, डाइवोर्स ले लो, एबॉर्शन को कानूनी बना दो, डाइवोर्स को कानूनी बना दो, आप डरो मत, आप आधे रास्ते में 2 साल के बाद आपकी पत्नी को आप रास्ते में रखना चाहते हो, हम आपकी फेवर में ना, डरो क्यों। आपको नंबर एक, आपके पिताजी को कुछ रखना है ना, आपकी पिताजी की तो बस हम कानून बना देते ना, आपकी आपकी आपके बाप की संपत्ति पर आपका राइट रहेगा, हम इनको कानून बना ले, बेटा बाप को छोड़ देगा वो कानून नहीं है, मगर बाप की संपत्ति में बेटे का हिस्सा रहेगा, सुप्रीम ने बना दिया हम कानून बना देंगे। नंबर चार, आप बोलते हो परस्त्री गमन मुझे करना है, मेरी पत्नी को छोड़ के दूसरी पत्नी मुझे पसंद है, गवर्नमेंट वाला चिंता मत करो हम लिव इन रिलेशनशिप का कानून बना देते, आपकी पत्नी को छोड़ के किसी भी लड़की के साथ आपको रहना तो रह सकते हो। नंबर पांच, एक माँ ने ऐसा सोचा मेरे बेटे का बाप कौन हो पता नहीं चले, और किसी भी पुरुष के साथ सो करके मैं माँ बनना चाहती हूँ, डरती थी वो माँ, और बता दिया गवर्नमेंट ने चिंता मत करो हम कानूनी मान्यता देते, सिंगल मदर तुम बन जाओ, बाप की जरूरत नहीं है, बिना बाप भी तुम बेटे की मां बन पाएंगे। नंबर पांच, आपका लगता था चोरी वो भयंकर कोटि का पाप था, चोरी नहीं कर सकता हूं, जुगाड़ नहीं खेल सकता हूं, अरे कानून बना दिया, सट्टा को कानूनी मान्यता दे दो, मालूम है तुम्हें सट्टे को कानूनी मान्यता दे दो, ये सुप्रीम के जस्टिस ने बता दिया है, सट्टे को कानूनी मान्यता दे दो, कोई चिंता मत करो। आगे नंबर सात, आपको लगता है गुरुदेव मैं और वेश्या के घर, वेश्या के घर, और लड़की सोतेरी गुरुदेव में वेश्या बन जाऊं, गवर्नमेंट ने चिंता मत करो हम वेश्यावृत्ति को भी कानूनी मान्यता देने का प्रस्ताव आ चुका है, एंड वी आर गोइंग ऑन दैट साइड, वेश्या को कानूनी मान्यता दे दो। गांधी जी भले लिख के गए शराब बंदी करो, शराब पीना आपको गलत लगता है ना, और सुप्रीम बोल दिया हम शराब को भी कानूनी मान्यता देते, आप मजे से शराब पीते चलो, जहां व्यसन का पाप था चोरी, परस्त्री गमन, वेश्या गमन, 7 महाव्यसन था, हर व्यसन को गवर्नमेंट ने मान्यता दी। आपका कॉन्शियस जहां भी बाइट होता था ना, हम आपको एक रास्ता दिखाते, हम कानूनी मान्यता दे, कॉन्शियस को बाइट मत करो। और 2 दिन के पहले आपके घर में पत्रिका आई होगी, तो वो पत्रिका होगी कि इसका बेटा इसकी बेटी के साथ ब्याह करता है, और 2 दिन के पहले सुप्रीम ने फैसला दे दिया लड़का लड़के के साथ शादी मजे से कर पाएगा, लड़की लड़की के साथ शादी कर पाएगा, ये कानून तुम्हारा चल रहा है, कॉन्शियस मारो गोली, कानून मान्यता दे दो, हर तरह का व्यभिचार करना तो मजे से करो, चाहे मुनि भगवान कितने भी बोले, वी आर इन योर फेवर, जो बदमाशी करनी है तो करती चलो, हम आपको कानूनी रक्षा देंगे। चोरी कानून, वेश्या कानून, शराब कानून, गर्भपात कानून, डाइवोर्स कानून, माँ बाप को मार दो कानून। आने वाले दिनों में फिर यह भी तो बात उठेगी, अमेरिका में गन कल्चर चल रहा है, अमेरिका में गन कल्चर चल रहा है, मालूम है ना तुम्हें, हर बेटे के हाथ में गन आती है, और वो बेटा स्कूल में जाकर के टीचर को मार सकता है, 50 लोगों को मार सकता है। अब ये बात आई, चोरी करना तो कानूनी मान्यता दे दो, शराब पीना तो कानूनी कर दो, मारना है पेट में बच्चे को कानूनी कर दो, लड़के लड़के की शादी करनी कानूनी कर दो। कल ये भी तो हो सकता है कोई बोलेगा आखिर खून करना है, खून को भी कानून कर दो, डरो नहीं तुम, कानून नहीं, मैं 2 रात सोया नहीं हूं, आने वाले दिनों में तुम्हारी परिवार व्यवस्था खत्म हो जाएगी, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, और भगवान को मैं विनती करता हूं मेरा स्टेटमेंट झूठा पड़ जाए, मगर 10 साल के बाद आपको पत्नी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लड़के की जरूरत पड़ेगी, वो लड़के, मैं रिपीट करना चाहता हूं, यह जा रहा है प्रवचन, लाखों लोगों करोड़ों लोग मेरा प्रवचन आज सुन रहा है, इन दिस पोजीशन में भी पॉसिबल तुम मुझे ऑर्थोडॉक्स एक नंबर का मानो, मगर मैं कहना चाहता हूं सारी दुनिया में परिवार व्यवस्था हिंदुस्तान के नंबर 1 पे है, वो तबाह हो जाएगी।
लड़का लड़की से शादी नहीं करेगा। और रिपीट करना चाहता हूं, आज आपके वहां तेल एक्सपोर्ट होता है, आज मैं बताना चाहता हूं आपके वहां तेल एक्सपोर्ट होता है, पेट्रोल एक्सपोर्ट होता है, कल फॉरेन से लड़के एक्सपोर्ट होंगे और लड़का लड़के से शादी करेगा, पूरी व्यवस्था तबाह कर देंगी। और ये तुम बिल्कुल शांति से बैठो, और ये मीडिया वाला बोलता है नैतिकता है, उनको कानूनी मान्यता दे दो, सबको राइट है दे दो। भगवान, मैं कल रात को सोच रहा था कि आने वाले दिनों क्या आएंगे, मुंह फाड़ के बैठ जाएंगे साधु, वी आर टोटली हेल्पलेस, कुछ नहीं कर पाते ये सब कुछ, और वो भी गवर्नमेंट भी और जो भी है वो सोचती है, साधु को जो बोलना है बोलने दो, उनको बोलने पे हम रोक नहीं लगाएंगे, मगर ऐसा ही कानून बना देंगे उनका बोलने का कोई मायना ही नहीं रहेगा। शराब कानून, परस्त्री गमन कानून, वेश्या कानून, जुगाड़ कानून, फिर बचा क्या? और एक बार बताऊं, शादी के बाजार में कोई धर्मी लड़का लड़की नहीं चलती है। आपका जो शादी का बाजार है ना, वो शादी के बाजार में संस्कारी लड़के लड़कियां भी नहीं चलती है। कोई लड़का बोलेगा मैं टीवी नहीं देखता हूं, कोई लड़का बोलेगा मैं फेसबुक पे नहीं जाता हूं, कोई लड़का बोलेगा मैं ब्लू फिल्म नहीं देता हूं, वाइन नहीं पीता हूं, वो लड़का एवरेज शादी के बाजार में भी नहीं चलता है। वही लड़का चलता है जो एक नंबर में सब कुछ करता है मजे से, और लड़की भी वही चलती है। आपका बेटा भी घर में चोरी करता होगा, मगर तुम चोरी की छूट तो नहीं देते हो ना। आपका बेटा भी गाली बोलता होगा, मगर तुमने ये तो नहीं कहा कि बेटा खानगी में बोलता है, काम कर, परिवार के बीच में बोल, शर्म नहीं रख, ये तो तुमने नहीं किया। हर जगह कमजोरी होती है, मगर कमजोरी की कानूनी मान्यता देने का पाप कहां तक हो सकता है? कमजोरी मेरे में भी है, आप में भी है, मगर गुरुदेव ने मुझे कमजोरी। और एक बार बताना चाहता हूं, आज बात निकली है तो वो आपने पेंसिल देखी होगी, पेंसिल से जो भी गलती होती है वो सुधर सकती है, मगर पेन जो गलती करता है वो कभी सुधरती नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पेंसिल से जो भी गलती होती है वो सुधर सकती है, मगर पेन जो गलती करता है वो कभी सुधरती नहीं। इनका कारण कारण क्या आप बताएंगे क्या है? माने पेंसिल से लिखा हुआ रबर से निकल जाता है, ये मत बोलो। हर पेंसिल अपने पीछे रबर को लेकर के चलती है, और पेन कभी रबर को लेकर नहीं चलता है। मैं इतना ही कहूंगा, जो भी संसारी आत्मा ने अपने साथ गुरु का रबर रखा उनकी गलती तो सुधर जाएगी, मगर जिसने गुरु का रबर छोड़ दिया उनकी गलती सुधरने का चांस खराब।